आप देख रहे हैं TNB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में 9 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर चुके हैं। पीएम मोदी इन ट्रेनों को रविवार यानी कि आज हरी झंडी दिखाई। ऐसा पहली बार है जब देश को एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। इन ट्रेनों के लॉन्च के जरिए देश के कई राज्यों को नई और मॉडर्न ट्रेनों की उपलब्धता मिल जाएगी। इन राज्यों में ओडिशा, केरल, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना के नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और तमिलनाडु के चेन्नई को दो दो ट्रेनों की सौगात मिल गई है। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते के 6 दिन चलेगी। इसके अलावा अगर दूसरी ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन राउरकेला पुरी के बीच संचालित की जाएगी। यह ट्रेन 505 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। तीसरा रूट हैदराबाद बेंगलुरु के बीच का है, जब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। यह ट्रेन 610 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 50 मिनट में पूरा करेगी। चौथा रूट चेन्नई से विजयवाड़ा के बीच है, यह ट्रेन 6 घंटे 40 मिनट में सफर तय करेगी। पांचवा रूट रांची और हावड़ा के बीच का है, जो 535 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में पूरा करेगी। छठे रूट की बात की जाए तो ये पटना हावड़ा के बीच संचालित की जाएगी। यह ट्रेन 530 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में पूरा करेगी। छठी ट्रेन का तोहफा राजस्थान को मिला है। ये वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से अजमेर के रास्ते जयपुर को जाएगी। सातवीं ट्रेन कासरगोड तिरुवनंतपुरम के बीच चलेगी, तो वहीं आठवीं ट्रेन जामनगर अहमदाबाद के बीच संचालित की जाएगी। नवे रूट में वंदे भारत ट्रेन रांची और हावड़ा के बीच संचालित की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित भी किया और कहा कि वंदे भारत ट्रेन का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। 25 पहले से वंदे भारत ट्रेन थे और 9 अब और मिल गई है। 1,11,00,000 यात्री इस ट्रेन का सफर का आनंद ले चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस ट्रेन ने पर्यटन और आर्थिक विकास को रफ्तार दिया है, जिससे पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, आदित्य L1 की लॉन्चिंग और नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भी चर्चा की। बाकी ऐसे खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।